कलेजा विजयवाड़ा से। थैंक यू फेबिना फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आज हम बनाने जा रहे हैं जैन चिली चीज। हमें चाहिए 150 ग्राम मैदा, जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर आई एम एडिंग ऑन दिस एंड आई एम एडिंग शुगर, बट इफ यू कैन स्किप इफ यू डोंट लाइक स्वीट। आई एम एडिंग जस्ट अ हाफ टीस्पून शुगर। नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स इट विथ मिल्क। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, बैटर बना लिया है। अब इसमें मैं थोड़े से, ये चिली ब्रेड है इसलिए थोड़ी चिली फ्लेक्स, थोड़े ओरिगैनो और थोड़े ग्रीन चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ एंड एट द लास्ट जस्ट हाफ टी स्पून ऑफ टीनो आई एम एडिंग, क्योंकि ये यीस्ट फ्री है। अब इसे हम ग्रीस किया हुआ केक टिन में डालेंगे। अभी इसमें हम लोगों ने ग्रीस केक टिन में डाला, इसे बेक करेंगे अराउंड ओटीजी में 10 टू 12 मिनट्स ऑन 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और अब इसे गैस पे भी बेक कर सकते, कुकर में भी सेम टाइम। जब तक ब्रेड बेक होती है अपन बटर बना देते हैं। ये मैंने अमूल बटर लिया है, इसको पिघल दिया है। अब इसके अंदर हम लोग डालने वाले हैं 1 टीस्पून पार्सली। मेरे पास ड्राइड है इसलिए मैं ड्राइड यूज़ कर रही हूँ, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स ये चिली ब्रेड है तो ग्रीन चिलीज चॉप्ड की हुई, रेड चिली फ्लेक्स थोड़े से, ग्रीन चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो एंड फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। सबको बटर में अच्छे से मिक्स करना है। अब हम चेक करते हैं कि हमारी ब्रेड बेक हुई या नहीं। ये परफेक्टली बेक है, इसे हम बाहर निकाल देते हैं और हम 10 से 15 मिनट ठंडा करेंगे, उसके बाद निकाल देंगे। मैंने इसे अनमोल्ड कर दिया है ब्रेड को। अब हमें इसे इस तरह से कट करना है, पूरा कट मत करना, जस्ट ब्रश से बटर लगाएंगे जो हमने बनाया था। इस तरह से पूरा अंदर तक भरना है आपको। उसमें ऐसे चीज भरेंगे पूरा। अच्छे से पूरा चीज भर देना है अंदर तक। ये थोड़ा बचा हुआ बटर था, इसको भी ऊपर से डाल रही हूँ। अब इसे हम डालेंगे बेकिंग ट्रे पे। ये प्रॉपरली ब्रेड इज प्रॉपरली बेक्ड। अब इस ब्रेड को अब हम सर्व करेंगे।